Welcome to Data Science and Machine Learning course. My name is Fahad Hussain. इस session के अंदर हम support vector machine classifier को discuss करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे related, इससे previously जितनी भी videos हमने बनाई है वो मेरे YouTube channel पर मौजूद है. तो आप YouTube channel पर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ Fahad Hussain लिखेंगे तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और उसके बाद आप directly Google करने के बाद मेरे YouTube channel पर आ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर show हुआ है. और उस वक्त मैं अपने playlist पे मौजूद हूँ, और एक separate playlist के अंदर आप देख रहे हैं machine learning using Python मौजूद है, और इसके अंदर हम continuously जितने भी videos कर रहे हैं वो इसमें मैं upload करता जा रहा हूँ. इसके अलावा different videos हैं, आप C sharp, database, PHP and so on, different platform की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आप ईज़िली यहाँ से पढ़ सकते हैं. ना सिर्फ बल्कि जो जितने भी वीडियो सेशन है जिसमें कोड इम्प्लीमेंट किया गया है वो फ्रीली अवेलेबल है Fahad Hussain csblogspot.com पर, जो सेपरेट टैब पर मैंने ओपन किया हुआ है. इसके अंदर तमाम लिंक्स मौजूद हैं जहाँ पर कोड ईज़िली अवेलेबल है. आप विदाउट लॉग इन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आकर आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करके अपनी रिलेटेड आईडी में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन? सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ ऑल्सो अ क्लासीफायर, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. क्लासीफायर उनमें से एक है. तो लेट्स सी द डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकली उसे डिस्कस करेंगे, और देन फाइनली प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है और किस तरह से हमें क्लासीफाई प्रोडक्ट करके देता है. तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, द सपोर्ट वेक्टर मशीन क्रिएटेड बाय व्लादिमीर वैपनिक इन द 60s, विच मीन 1960s, बट प्रीटी मच अवर लुक अंटिल द 90s, इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मशीन लर्निंग क्लासीफायर. तो सपोर्ट वेक्टर मशीन व्लादिमीर वैपनिक ने 1960 में बनाया, लेकिन ये ओवरलुक्ड हुआ, यानी इसको और भी बेहतर किया गया 1990 तक, और अब तक यानी इस वक्त तक 2019 तक ये वन ऑफ द पॉपुलर मशीन लर्निंग क्लासीफायर है. तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, क्या करता है ये, इसके हवाले से आगे बताया जा रहा है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सपोर्ट वेक्टर मशीन इज टू फाइंड द बेस्ट स्प्लिटिंग बाउंड्री बिटवीन द डेटा. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करता है, दो सेपरेट क्लासेस पर एक बाउंड्री लाइन बनाता है. कैसे बनाता है? इन टू डायमेंशनल स्पेस यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक द बेस्ट फिट लाइन द डिवाइड्स योर डेटा सेट. अगर हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा सेट है तो आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक बेस्ट फिटेड लाइन बनाई जाए दोनों सेपरेट डेटा सेट के दरमियान, जो दोनों डेटा सेट को क्या कर दे, डिवाइड कर दे. विद अ सपोर्ट वैक्टर मशीन वी आर डीलिंग विद अ वैक्टर स्पेस. Trust the separating line is actually a separating hyperplane. यानी सपोर्ट वैक्टर के अंदर हम डीलिंग कर रहे होते हैं वैक्टर के साथ, और ये वैक्टर के दरमियान जब हम सेपरेटिंग लाइन बनाते हैं तो उस सेपरेटिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन. ये क्या चीज़ें हैं, अभी सारी चीज़ें हमें ग्राफिकल चीज़ों से सारी समझ में आने लगेंगी नेक्स्ट स्लाइड पर. द बेस्ट सेपरेटिंग हाइपर प्लेन इज डिफाइंड एज द हाइपर प्लेन दैट कंटेन द विडेस्ट मार्जिन बिटवीन सपोर्ट वैक्टर. यानी जितनी मैक्सिमम मार्जिन होगी दोनों क्लासेस के दरमियान, हम उस सेपरेट लाइन को बेस्ट फिटेड हाइपर प्लेन कहेंगे. द हाइपर प्लेन में ऑल्सो भी रेफर टू एज द डिसीजन बाउंड्री. हाइपर प्लेन को हम रेफर करते हैं डिसीजन बाउंड्री से भी. द ईजिएस्ट वे टू कन्वे दिस इज थ्रो इमेजेस. तो सबसे बेहतर तरीके से वो चीज़ें हमें इमेज के जरिए ही समझ में आती हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया. लेट्स सी. तो इमेज पे जाने से पहले हमें ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेना है, क्योंकि इन चारों पॉइंट के बिहाफ पे ही हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन काम कर रहा होता है. ऑल दो हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में भी इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर भी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इसी बिहाफ पर वर्क कर रहा होता है. तो व्हाट इज़ कर्नल? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कर्नल. तो कर्नल इज़ नथिंग बट द फंक्शन, जो कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू मैप अ लोअर डायमेंशन डेटा इन टू अ हाई डायमेंशन डेटा. तो इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमें बात समझ में नहीं आ रही है, ऑल दो इस सेशन के बाद से हम जो सेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम कर्नल सपोर्ट वेक्टर करेंगे, तो वहाँ पर हमें मज़ीद बेहतर तरीके से ये डेफिनेशन कर्नल की समझ में आ जाएगी. लेकिन अभी इस लेवल तक हम समझने के लिए सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि जो सपोर्ट वैक्टर की डेफिनेशन है, कर्नल की, वो किस तरह से लोअर डायमेंशन डेटा को हाई डायमेंशन में कन्वर्ट करता है. आप अज्यूम करो कि ये आपका एक डेटा सेट है जो इस वक्त एक्स एक्सिस पर मौजूद है. इस कर्नल को अप्लाई करने से ये डेटा सेट इस तरह से मूव हो जाता है. तो ये डेटा सेट आपका यहाँ पर आ गया, ये इस बॉटम की जगह पर आ गया, और ये इस जगह आ गया. तो इस लिहाज से क्या होगा कि इसकी इस तरह से डिवाइड किया जा सकेगा इस डेटा को. ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट सेशन पे इस चीज़ों को समझेंगे, और भी बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आने लगेगी. लेकिन अभी हमें यह समझना है कि एक लोअर डायमेंशन डेटा को कर्नल क्या करता है, हाई डायमेंशन पे मूव कर देता है. फर्दर आगे बताया जा रहा है हाइपरप्लेन. इन सपोर्ट वेक्टर मशीन दिस इज बेसिकली द सेपरेशन लाइन बिटवीन द डेटा क्लासेस. जो सेपरेट लाइन मैं बना रहा हूँ इस तरह से, या फिर इस तरह से जो दो क्लासेस को सेपरेट कर रही हैं, इसे हम हाइपरप्लेन कहते हैं. इसी तरह इन सपोर्ट वेक्टर मशीन देयर आर टू लाइंस अदर देन हाइपरप्लेन.
हाइपरप्लेन के अलावा हमारे पास दो लाइनें होंगी विच क्रिएट्स अ मार्जिन, जो मार्जिन को क्रिएट करेंगी. द सपोर्ट वैक्टर कैन बी वन ऑन द बाउंड्री लाइन और आउटसाइड एट, जो वैक्टर होगा हमारा वो उस बाउंड्री लाइन के करीब भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है. दिस बाउंड्री लाइन सेपरेट द टू क्लासेस इन एस वी आर, द कॉन्सेप्ट इज सेम. यानी लीनियर जहाँ पर हम सपोर्ट वैक्टर रिग्रेशन कर रहे थे वहाँ पर भी ये चीज़ें सेम हैं. और बाउंड्री लाइन क्या करता है, दो अलग अलग क्लासेस को सेपरेट कर रहा होता है. फाइनली हमारे पास जो वर्ड बढ़ता है कि इसमें सपोर्ट वैक्टर क्या चीज़ है. दिस आर द डेटा पॉइंट विच आर क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री. जो बाउंड्री से बिल्कुल क्लोजेस्ट डेटा है उस डेटा पॉइंट को हम सपोर्ट वैक्टर कहते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज मिनिमम और लीस्ट, कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए उस बाउंड्री लाइन के साथ जो डेटा होगा उसे हम सपोर्ट वैक्टर कहेंगे. कैसे कहेंगे, अब यहाँ पर समझते हैं. ये एक सेपरेट डेटा सेट है हमारे पास जिसमें आप देख रहे हो कि दो अलग अलग क्लासेस हैं. ठीक है, एक रेड क्लासेस है, इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये ए है, जबकि हमारी दूसरी क्लासेस है जिसे हम एज्यूम करते हैं ये बी है. तो सबसे पहले हमें एक बेस्ट फिटेड लाइन बनानी है. ठीक है, और वो बेस्ट फिटेड लाइन के हवाले से यहाँ पर क्या बताया जा रहा था, हाइपरप्लेन. तो हाइपरप्लेन बनाने के लिए हम मल्टीपल्स लाइन इन दोनों के दरमियान बना सकते हैं. कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, ये लाइन दोनों डेटा सेट को डिवाइड कर रहा है. इसी तरह से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन. ठीक है, ऑल दो मैंने थोड़ा सा टच कर दिया है क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, आप अज्यूम करें कि ये थोड़ा सा अलग है पॉइंट से. तो ये चार जो मल्टीपल्स मैंने लाइन बनाई हैं ये तमाम ही लाइनों को क्या कर रहा है, दोनों डेटा सेट को डिवाइड कर रहा है. लेकिन इनमें से कौन सी बेहतर लाइन है, इनमें से कोई भी इस वक्त बेहतर लाइन नहीं है जिसको हम बेस्ट फिटेड लाइन कहें. तो इसका क्या पैरामीटर है, इसका पैरामीटर ये है कि हम जब दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मेजर करनी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस करना है. एक ऐसा पॉइंट जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस आए इन दोनों के दरमियान. तो आप देख रहे हो कि इसमें से इतना सा डिफरेंस आ रहा है, इसमें से बिल्कुल डिफरेंस नहीं आ रहा है. अगर आप इस लाइन को देखो जो ब्लैक है, इसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा सा है लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है. इसी तरह इस लाइन को अगर आप देखो, ये वाली लाइन, इसमें यहाँ से डिस्टेंस कम है लेकिन ये वाले डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. तो यहाँ से यहाँ तक के दरमियान वे जो पॉइंट है ये दोनों दोनों को डिस्टेंस सेम कर रहा है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस को शो कर रहा है. लिहाजा अब जो मैं लाइन बनाने लगा हूँ एज लाइक दिस, तो मैं कह सकता हूँ ये जो लाइन है हमारी वो बेस्ट फिटेड लाइन है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्जिन को शो कर रहा है. तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को देख लिया कि हाइपरप्लेन हमने किस तरह से बनाया. उसके बाद बारी आती है बाउंड्री लाइन की. बाउंड्री लाइन क्या है, जब मैंने इस लाइन को बेस्ट फिटेड कहा है तो जो बाउंड्री लाइन होगी हमारी वो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बताया गया कि जो हमारा क्लोजेस्ट डेटा सेट है ना उसके करीब से गुजरे. तो जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरी बाउंड्री लाइन. तो आप देख रहे हो कि जो अब मैंने बाउंड्री लाइन बनाई है ये बाउंड्री लाइन है. दैट्स इट ऑल अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो सबसे पहले हमने बेस्ट फिटेड हाइपरप्लेन बनाया. हाइपरप्लेन बनाने के बाद जो दो सेपरेट क्लासेस के दरमियान नियरेस्ट डेटा है वहाँ से एक आर्क यानी एक लाइन जाएगी जो इसकी बाउंड्री कहलाएगी और इसी तरह ये दूसरी बाउंड्री कहलाएगी. यहाँ पर हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो काफ़ी मिक्सिंग हो गई क्योंकि इस वक्त मैंने माउस के ज़रिए से लाइन बनाई. क्यों ना हम इसको बेस्ट फिटेड लाइन पर एक इमेज से देखें ताकि समझना हमारे लिए और भी मज़ीद आसान हो जाए. लेट्स सी, दूसरे स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने उन्हीं लाइनों को ग्राफिकली शो करवाया हुआ है जो अभी मैंने फिज़िकली माउस के ज़रिए से बनाई है. तो ये जो ब्लू लाइन है इसको हम मैक्सिमम मार्जिन कह रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों के दरमियान और यही हमें करना था बेस्ट फिटेड लाइन के लिए. इस लाइन को हम हाइपर प्लेन भी कहते हैं. इसके बाद है हमारे पास बाउंड्री लाइन. इस बाउंड्री लाइन को हम पॉजिटिव हाइपर प्लेन भी कहते हैं और नेगेटिव हाइपर प्लेन भी कहते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है. अब फाइनली बारी आती है हमारी वेक्टर की जिसको हम सपोर्ट वेक्टर कह रहे हैं. तो डेफिनेशन पे बताया गया था कि जो बाउंड्री लाइन के नियरेस्ट डेटा है, ये देख रहे हो बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नियरेस्ट डेटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, इसके सपोर्ट वेक्टर है. तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन का, जो क्या कर रहा होता है, सबसे पहले डेटा को सेपरेट करता है, सेपरेट करने के बाद बाउंड्री लाइन बनाता है और बाउंड्री लाइन बनाने के बाद वो सपोर्ट वेक्टर सेलेक्ट कर लेता है कि सपोर्ट वेक्टर क्या है. अब हमारा मॉडल यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है. अब रेडी होने के बाद ये क्या करेगा और किस तरह से वर्क परफॉर्म करेगा, तो आप देख रहे हो कि ये बाउंड्री लाइन के अंदर जो सेपरेट हमारा डेटा सेट है ये पूरा, ठीक है, ऑल दो ये पार्ट भी है और इसी तरह ये पार्ट है और ये पार्ट भी है पूरा, ये एक सेपरेट लाइन को शो कर रहा है यानी एक सेपरेट क्लासेस को. सपोर्ट वेक्टर मशीन एक रिस्की क्लासिफायर भी है क्योंकि सम टाइम ये बाउंड्री लाइन और सपोर्ट वेक्टर के बिहाफ पर डिसीजन लेता है. यानी अब कोई भी पॉइंट इस बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पर आता है तो वो अपने सपोर्ट वेक्टर और मैक्सिमम मार्जिन के ज़रिए से प्रेडिक्ट कर लेता है कि इस रेड का ताल्लुक भी इस ग्रीन से है, यानी ये न्यू डेटा सेट जो आया है वो इसका ताल्लुक भी इसी से
है, इसी तरह ये बाउंड्री लाइन के इस तरफ मौजूद है, तो ये इसको भी अज्यूम करता है कि रेड का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये सपोर्ट वेक्टर किस बेस पर काम कर रहा है, अपने स्टेट पार्टीशन लाइन पे, जिसको हम क्या कह रहे थे, बेस्ट फिटेड लाइन कह रहे थे, हाइपरप्लेन कह रहे थे, और उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट वेक्टर है जो सबसे इसके नियरेस्ट है, ये प्रेडिक्ट करता है, अज्यूम करता है कि कौन सा डेटा सेट जो इस बाउंड्री के बिल्कुल करीब है उसका ताल्लुक क्लास ए से होना चाहिए या फिर बी से होना चाहिए। तो तमाम थ्योरी बिहाइंड हमने सपोर्ट वेक्टर की देख ली कि किस तरह से वर्क करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन क्या है सपोर्ट वेक्टर मशीन की। लेट्स सी। तो फेस रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई ऑफिशियल एक्सप्रेशन, इट यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ऑफ शेप्स एंड SVMs। ठीक है, यानी आप फेशियल से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन को मूव कर रहे होते हैं कि ये फेस किस तरह से है, स्माइली फेस है, ठीक है, वेपिंग फेस है, या वट एवर जो भी फेस की जो स्टाइल हो सकता है या गैस्चर्स हो सकता है, उस चीज़ को ये करता है। इसी तरह से स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर सपोर्ट वेक्टर को डिफरेंट कीवर्ड्स के ज़रिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हैंड रिटिंग जो डिजिट्स हैं हमारे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह टेक्स्ट की जो कैटेगराइजेशन है, यानी उसकी जो कैटेगरी है, उसको रिट्रीवल करने के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल हमने थ्योरी यहाँ देखी सपोर्ट वेक्टर मशीन की, कि एक्चुअली सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, किस तरह से मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब नेक्स्ट डेटा पॉइंट इस मॉडल के अंदर आएगा तो वो किस तरह से मैक्सिमम मार्जिन और सपोर्ट वेक्टर के बिहाफ पर उसे प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इसका ताल्लुक क्लास ए से होना चाहिए या फिर क्लास बी से होना चाहिए। और ये काफ़ी रिस्की भी है क्योंकि सम टाइम आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा डेटा भी आ सकता है जो कलर के रिस्पेक्ट से तो क्लास ए का पार्ट हो, लेकिन ओरिजिनली वो किससे बिलोंग करे, वो क्लास बी से बिलोंग करे। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर क्लास ए के अंदर एप्पल मौजूद है और क्लास बी में ऑरेंजेस मौजूद हैं, तो नॉर्मली एप्पल का कलर जो है वो रेड से ग्रीन के दरमियान हो सकता है। ठीक है, हम उसके पैरामीटर सेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एप्पल आता है जो कि लाइट ऑरेंज टाइप का है, ठीक है, तो इस एप्पल को जो कि यहाँ पर ऑरेंज है, वो उसे खुद क्या प्रेडिक्ट करने लग जाएगा इस पैरामीटर के बिहाफ पर कि वो ऑरेंज है, क्योंकि ऑरेंज का कलर भी ऑरेंज ही के कलर्स पर होता है। तो यही वजह है कि हम इसे रिस्की क्लासिफायर भी कहते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने स्पाइडर IDE पर, जहाँ पर हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन किस तरह से वर्क कर रहा होता है। ओके, सेम कोड हमारे पास KNN का मौजूद है जो हम प्रीवियस सेशन पे कर चुके हैं। मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल N करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। उसके बाद सेव एस पर जाकर हम अपने फाइल को सेव करते हैं और इसका नाम रखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन _ क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट। ओके, उसके बाद जिस चीज़ों को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेम डेटा सेट पर काम कर रहे हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा डेटा सेट है वो एज सैलरी के रिस्पेक्ट से किसी एक खास प्रोडक्ट ए को ख़रीदने के रिस्पेक्ट से बनाया गया, लिहाजा इस पे जो काम होगा वो किस तरह से होगा वो उस चीज़ों को हम देखेंगे और लेट्स ट्राई इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लिहाजा इसे इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल उसी बेस पर हायरार्की उसकी बनेगी। तो हमने सेम कोड लॉजिक को यूज़ किया है, तो सबसे पहले मैं अपने कर्नल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये KNN के बिहाफ पर बना हुआ है। ओके, जो कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ का है। मैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, इट्स एग्जीक्यूटेड नाउ। उसके बाद सेम डेटा सेट है, सेम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए जो पार्ट हमने डिवाइड किया है स्मॉल वाई एंड कैपिटल एक्स, Similarly, same training and testing, तो shift enter to execute again, standard feature जो कि हम फीचर स्केलिंग के लिए कर रहे हैं वो भी कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देखें क्योंकि हमने वहाँ पर अपने मॉडल को सेट किया था और टैम्पलेट को भी सेट किया था कि टैम्पलेट किस तरह से वर्क करता है। लिहाजा shift enter to execute and the final part for this, here it is your classification। तो ये के नेबर्स के लिए बनाया गया है, लिहाजा हम इसे चेंज करेंगे किसमें, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले हम SK लर्न पर आते हैं और यहाँ से जिस चीज़ को हम इंपोर्ट करेंगे वो होगा SVM और जिस क्लास को हम लेंगे वो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो लिहाजा मैंने इसको लिया, कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। जो पैरामीटर की हमें ज़रूरत होगी वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कर्नल का होगा,
kernel kya hai iske hawale se hum baat karte hain next session pe, lekin yahan par samajhne ke liye main sirf batata chalun ki linear kernel lene ki wajah ye hai ki ek aisa data set jo aasani ke sath ek straight line se dono part mein yani dono part uske separate ho jaye, aise type ko hum support vector linear kernel kehte hain. Yani kernel ka kaam kya hai ki dono data set ko kya karna, divide karna, aur definition pe bhi humne dekha tha ki linearly wo kya ho, separable ho ek straight line ke through, aur wo lower dimension data ko kya karta hai, high dimension data mein convert karta hai. Yahi wajah hai ki yahan par humne linear kernel ko istemal kiya hai, kyunki straight line ke zariye se wo data kya ho sakte hain, separate ho sakte hain, jabki second jo parameter hoga hamara wo random state ka hoga aur usse hum zero lenge. बाकी तमाम कोड हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे. लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट फॉर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एंड इट्स एग्जीक्यूटेड. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफायर फॉर द प्रोडक्शन, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट फॉर वाईप्रेड. और आप यहां पर देख रहे हो कि वाईप्रेडिक्ट हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह हम वाई टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं. तो ओवरऑल डेटा हमारा रेडी हो चुका है. फॉर एक्यूरेसी चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक्यूरेसी देखेंगे. तो एक्यूरेसी देखने के लिए हमें जंप करना होगा अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर पर. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेक करते हैं. सेम कोड रहेगा हमारा, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हेयर इट इज़ योर सीएम. तो 10 प्रोडक्शन हमारी सपोर्ट वैक्टर मशीन पर रॉन्ग है रेस्ट ऑफ द 100, और 90% यकीनी तौर पर रेस्ट ऑफ द जितने पार्ट हैं वो हमारी राइट प्रोडक्शन पर आ रही है. गुड क्लासिफिकेशन. नाउ दिस पार्ट, अब हम एक्यूरेसी की तरफ मूव करेंगे. तो शिफ्ट एंटर टू एक्जीक्यूट, सेम कोड रहेगा एक्यूरेसी के लिए एंड हेयर इट इज़ 90%, 0.9, विच मीन 90% की हमारी एक्यूरेसी है. और 90% की एक्यूरेसी प्रीवियस मॉडल से थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन हम इस मॉडल पे देख रहे हैं कि 90% की एक्यूरेसी है. और अब फाइनली हम विजुलाइजेशन की तरफ चलेंगे कि हम डेटा को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं. सेम हमारा ग्राफ रहेगा, हम सिर्फ क्लासीफायर के नाम को यहाँ से चेंज करके सपोर्ट वैक्टर मशीन कर देते हैं. Shift enter to execute and here it is your graph. Graph is ready for the classification topic. और जिस तरह से हमने classification के topic को यहाँ पर यानी graph को visualize किया है, बिल्कुल उसी graph को हम यहाँ पर क्या करेंगे, testing के लिए भी visualize करेंगे. लिहाजा यहाँ पर testing के लिए मैंने visualize कर दिया है जिस तरह से हमने training के लिए किया. और आप यहाँ पर line देख रहे हैं कि जो सपोर्ट वेक्टर की जो सेपरेट लाइन थी लीनियरली फॉर्म पर, जो डेफिनेशन और कर्नल के रिस्पेक्ट से भी हम देखते हुए आ रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन है. और वो स्ट्रेट लाइन ने हमारे दोनों डेटा सेट को क्या कर दिया है, यानी दोनों सेपरेट क्लासेस को सेपरेट कर दिया है. और सेपरेट करने के बाद जो ग्रीन कलर पर रेड पॉइंट है या रेड कलर पर ग्रीन पॉइंट है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ ऐसे एरर हैं जो रॉन्ग प्रेडिक्शन को जाहिर कर रहे हैं. तो ओवरऑल हम सेम टेम्पलेट को लेकर चल रहे हैं. इसकी वजह ये है ताकि हमें हर पॉइंट आसानी के साथ समझ में आए कि एक्चुअली जब भी हमारे पास डेटा सेट चेंज होगा तो हम अब इसी टेम्पलेट को लेकर चलेंगे. ऑल दो मैं डेटा सेट सेम इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट से और एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट से हमें चीज़ें समझ में आने लगें कि किस क्लासीफायर के अंदर बेहतर प्रोडक्शन आती है विथ रिस्पेक्ट टू क्लासीफिकेशन मॉडल. कर्नल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने देखा. नेक्स्ट सेशन के अंदर जो मैं सेशन कवर करूँगा वो कर्नल सपोर्ट वेक्टर होगा, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के कर्नल को देखेंगे, उसकी क्या वर्किंग होती है बिहाइंड, वो सारी चीज़ें देखेंगे. तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन की डेफिनेशन देखी, मैक्सिमम मार्जिन देखा, बाउंड्री लाइन देखी, बिहाइंड किस तरह से वर्किंग होती है वो हमने देखी, एंड फाइनली उन तमाम चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा अपने सेम प्रीवियसली टैम्पलेट पर जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कवर करते आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. अगर आपने